some teenage love song, and it's got very beautiful moments, beautiful memories. It takes you back to your school. Anish, पहले आपसे फिर रीवा आपसे जानना चाहूँगी, आप लोगों की क्या memories हैं? एक बड़ा हर व्यक्ति के साथ में मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे आप जितने भी लोग मौजूद हैं, आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, हम सब लोगों के बचपन में हमेशा ऐसा एक घटना होती है कि हमें किसी भी इंसान के प्रति एक ऊर्जा होती है, जिससे हमारी वो जागती है, एक अलग तरह का हमारे एक लगन होती है, चाहे वो दोस्ती हो चाहे किसी भी प्रकार से, और उस अट्रैक्शन में कोई भी गलत सोच नहीं होती, क्योंकि जो चाइल्डहुड फ्रेंडशिप होती है उसमें बहुत प्योरिटी होता है, और उस प्योरिटी को दर्शाने के लिए वापस उस थॉट को रिवाइज करने के लिए मैंने सबसे पहले सोचा कि क्यों ना एक जो बचपन का प्यार होता है, जो बचपन की दोस्ती होती है, उसमें जो सच्चाई और उसमें जो एक इनोसेंस होता है, उस इनोसेंस को ब्रिंग बैक करने के लिए एक एक्सपीरियंस क्रिएट किया। और जब इस गाने की थॉट में और जब इस गाने के कंसेप्ट को हमने सोचा कि इसको कैमरा के आगे हम लोग पिक्चराइज करेंगे और सेम चीज़ को हम दोहराएंगे, उस इमोशंस को वापस रिमोट करेंगे और आप लोगों तक पहुँचाएंगे, तो उस दौरान ये सोच आई कि क्यों ना उस बचपन के किरदार को हम एक रिलेशन दें और हम कैसे वापस उतने सालों बाद उस प्रकार का एक स्टोरी को हम कैमरे के आगे दर्शा के आप लोगों का रिक्वेस्ट करते हैं। और बहुत ही ब्यूटीफुली हमने शूट किया उसको और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा, काफ़ी ग्रेट एक्सपीरियंस है। इस सॉन्ग के अंदर दो चाइल्डहुड कैरेक्टर्स भी, उनके अंदर हमें वो इनोसेंस दिखा शूट के टाइम, और वो हमें और एक्स्ट्रा इंस्पायर करा था उसी टाइम वही चीज़ इमोट करने के लिए, एक्ट करने के लिए, क्योंकि वो लाइव हमारे सामने हो रहा था। जो एक फ्रेंडशिप और जो एक कंपेनियनशिप बच्चों में होती है, वो कंपेनियनशिप लाइव